सांस लो आराम से खुल के अब नहीं इनके बीच में बैठ बस दिवेश और जय सिमरन दोनों इसी के बीच में बैठेंगे दिवेश ऐसे करेंगे अपनी बेड के चारों तरफ सही रहेगा पूरे घर में और लाने पड़ेंगे भी अभी कम रह गए थोड़े से अभी पहले इनका ध्यान रख लें हम प्रैक्टिस कर लो पहले उसके बाद पौधों बच्चों वाला काम है गाइस गाड़ी की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है ठीक है दो काम थे आज और दोनों ही काम पूरे हो गए और पहला काम था कि प्लांट्स लेके आने क्योंकि जैसे ही हम मनाली से इधर आए थे मेरठ के अंदर तो यहाँ आते ही इसका गला ख़राब हो गया ठीक है और सिम का गला ख़राब हो गया और उसका रीज़न है यहाँ का पॉल्यूशन यहाँ 300 से ऊपर चल रहा है 300 350 ये चल रहा है यहाँ पे क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन तो यानी कि भाई ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा बहुत तो, ज़्यादा ठीक है सोचो वो माइनस डिग्री में हम घूम रहे थे तो इतना दिक्कत नहीं हुई ठीक है यहाँ आते ही अजीब सा गले में दर्द होने लगा खैर अब तो ठीक हो गया क्योंकि अब थोड़ा आदत में आ गया मेरा नहीं हुआ अभी तेरा नहीं हुआ मेरा हो गया दो तीन दिन में क्योंकि आदत में आ गया बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है अभी अंदर जो है थोड़ा सा ये कि घर में भी रहो तो घर में प्लांट्स वगैरह लगा लो यार अगर आप यहाँ रहते हो आसपास दिल्ली में भी यही हाल है यहाँ तो मतलब धुआं धुआं यहाँ आते हैं हमें आँखों से ऐसा लग रहा था कि हम यही रहते थे क्या इतनी ज़्यादा धूल इतना ज़्यादा मतलब धुआं तो अभी बस अब कोई नहीं कल हम वैसे गोवा के लिए निकल जाएंगे गोवा में तो 50 है सिर्फ मतलब बेहतरीन कोई पॉल्यूशन नहीं कोई टेंशन नहीं ठीक है पर हम लोग जा रहे हैं पर हमारी फैमिली तो यही रहने वाली तो इसलिए मैंने कहा कि यार प्लांट्स वगैरह ले आते हैं तो इसलिए कुछ अभी 10-12 प्लांट लिए बाकी बाद में और लेंगे घर में लगाएंगे और एक प्योरीफायर है मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में एक एयर प्योरीफायर और ले लें जो कि नीचे बड़ा पूरा लॉबी वगैरह को कवर कर ले भाई अब जीना है तो सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी नहीं तो कैंसर भी होगा अस्थमा भी हो सकता है हार्ट डिजीज भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई क्योंकि पॉल्यूशन तो बहुत सही चेंज कर सकता है तो चलो अभी बस ये काम हो गए अभी शैम्पू जी शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि भैया शैम्पू जी को टी शर्ट्स वगैरह चाहिए गोवा के लिए कुछ तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है अगर कुछ अच्छा मिलता है यहाँ से ले लेंगे नहीं तो फिर मैं ऐसे बोल रहा नहीं तो गोवा जाके ले लियो वहाँ पे नहीं यार यहाँ के रास्ते के लिए भी चाहिए मुझे कि रास्ते में पहन के जाऊंगा ऐसे अच्छा वाइब्स आनी चाहिए ना वाइब्स आनी चाहिए ठीक है बात गहराई को समझो ना तो चलो यार बस वहीं जा रहे हैं अभी सदर और आकुलन साइड में देख के आते हैं क्या मिलता है बाकी तो फिर बढ़िया तो ये सारा सामान लेके आ गए हैं लगभग 24 पानी की बोतलें ले आए हैं ठीक है और 24 लीटर पानी हो जाएगा बाकी कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले आए हैं रस्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आए हैं तो सही रहेगा अभी मेरे को एडिटिंग करनी है एक वीडियो उसमें लगेंगे 3-4 घंटे मिनिमम कोई ज़्यादा खास नहीं करूँगा नॉर्मल करूँगा जिससे जल्दी हो जाए क्योंकि यार लोग फिर जान निकलना भी है सारी फुटेज कॉपी करनी है और सारी चीज़ें गियर चार्जिंग पर लगाने हैं और उसके बाद बस चलते हैं आज रात चल क्या चल रहा है शैम्पू जी है 40 है हवा चेक कर ली इधर से घूमना था क्या हाँ बस पैक कर दे से ऐसी और गाड़ी के अंदर हमने एक एयर प्योरीफायर रख दिया है यहाँ पे ठीक है ये गाड़ी का ये पहले बहुत पहले मंगा दिया था सो अभी जो है ये यूज होगा रास्ते में देखेंगे गोवा में वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आते टाइम और जाते टाइम रास्ते में बहुत जगह पड़ती है बाकी हमने यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर लगा दिया है सो ये सही है बाकी मैं यहाँ सोच रहा था कहीं नीचे पर वो वहाँ पे चिपकानी क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ी अजीब सी है मतलब ये जो यहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी अजीब सी है सो यहाँ लगा दिया है बाकी चलो सब सेट है सो गाड़ी पे पता नहीं जब हम आए थे कुछ पेंट सा लग गया पूरी गाड़ी पे है वो अभी कैमरे में नहीं दिखाई देगा पर हमने शीशों पे से तो साफ़ कर दिया क्योंकि ये ज़रूरी है ये सारे जितने भी शीशे हैं वो सब साफ़ कर दिए पर ये जो है रबिंग से ही जाएगा अब सो गाइस हम आए थे चांद ढूंढने के लिए पर यहाँ पर चांद तो मिला नहीं है क्योंकि कोहरा हो रहा है पूरे में
और एक कोहरा नहीं, एक स्मोक है, ठीक है, और स्मोक के साथ जब फॉग मिल जाता है तो स्मोक बन जाता है, वही चीज़ हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देखेंगे, मोबाइल में देखिए, अब ब्रश तो खुल रही है, टाइम हो चुका है 8:14 पे शायद चांद निकलने वाला था यहाँ पे, 8:12 पे, और 9 बज गए लगभग, और फिर भाई कब तक कोई व्रत रखेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे देखो भैया, ये देख के व्रत खोलेंगे, उसके बाद फिर हमें गोवा के लिए भी निकलना है, और शैम्पू, और ये कोहरा हो रहा है और हमारी स्पीड भी देर हो जाएगी। पता नहीं यार क्या होगा इस दुनिया का, चलो कोई बात। तुम पहले भी इतने मोटे थे, अभी भी इतने मोटे, तुम भी उतनी मोटी और ज्यादा हो गई हो। बकवास मत करो। पैर भी छूते हैं इसमें, पता है तुम्हें। जल्दी जल्दी बहुत है, बहुत चलो पानी पियो, धीरे धीरे पीना, धीरे धीरे, एक साथ एक साथ ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सारा पानी पी गई यहाँ की प्यासी। दिल्ली बढ़िया, मजा आ गया। गिफ्ट और पानी पी ले। गिफ्ट गिफ्ट आने ये वाला, चमगादड़ जैसा मुंह बनाया ना। गिफ्ट आने वाला है, मार्च में देते तुम मुझे, मार्च में गिफ्ट आने वाला, वो मैं दे रही हूँ तुमको, मैं दे रहा हूँ, मेरी वैसे वो मैंने देखा है, लोग ऐसे सिंदूर भी लगाते हैं, लगाओ। क्या करते हैं लोग, सिंदूर लगाते हैं इस साल, सिंदूर के ऊपर ही लगा ना, ये हो गया, हो गया। शादी को तुमने पहली बार लगाया ना, दो साल होने वाले हैं। चले आओ, चलो खाने खाते हैं, चलो भाई। देखना सामने कोहरा देख रहे हो, ये सफेद सफेद, ज्यादा दूर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, कैमरे में पता नहीं कितना आ रहा होगा, पर हमें पता चल रहा है कि बहुत ही बुरी हालत है। सभी बज रहे हैं रात के 12 और हम निकल चुके हैं गोवा के लिए, और कौन कौन जा रहा है साथ में, तो हमारे साथ जा रहे हैं शैम्पू जी, शैम्पू जी स्वागत है, ठीक है, और आज से शैम्पू जी का भी व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सो आपको जो है शैम्पू जी के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लड़के को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो के बाद उसकी वीडियो भी देख लेना, क्या कहते हो, तब तक के लिए चलो इस वीडियो को एंजॉय कर लो। हाँ ये भी है, और चलो फिर चलते हैं, चलते हैं, रात के 12 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कितना रुकेंगे, मतलब कितना चलने के बाद रुकेंगे, कुछ नहीं पता, बस चल रहे हैं, तो जो कुछ होता रहेगा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चलो फिर चलते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों से भरा था बस्ता, वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर।